हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये देखिए, यहाँ पर हमारे गार्डन में पालक और धनिया साथ साथ ग्रो हो रखा है। अभी बहुत छोटा है, यहीं से हम कट करते हैं। ये देखिए, ये प्याज लगी है, फिर यहाँ पर फिर से पालक है और ये कंप्लीट ऑर्गेनिक है। देखिए, आप देख सकते हैं, मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया है। ये मेथी है, बहुत बढ़िया ग्रीन मेथी। ये देखिए, ये दूसरे टाइप का साग है, अमेरिकन सरसों। ये प्याज लगी है, जैसे जैसे हम हार्वेस्ट करेंगे ना आपको बताएंगे। ये देखिए, ये गोभी लगी है और साइड में आप देख रहे हैं ना, किनारी में धनिया लगा हुआ है सारा। कितना फ्रेश है, कितना बढ़िया है। ये हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ये फार्मिंग हो रही है, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही फ्रेश मॉर्निंग में देख के मज़ा आ जाता है। ये देखिए, दूर दूर तक की सब्जियाँ हैं। तो ऐसी जगह अगर आप रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है। बीच बीच में देखिए कितना साफ है सारा। और ये देखिए, यहाँ पर ये लेटस लगा है, लेटस लीव्स, सैलेड लीव्स। अभी इन पर मिट्टी है क्योंकि पानी दिया था, अदरवाइज ये बहुत साफ है। तो जब मैं आपको ये तोड़ के बताऊंगी, बनाएंगे तो जरूर दिखाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं। ये मटर है, देखिए कैसे मटर पर फूल आना शुरू हो गया है। ये देखिए, और जब मटर लगेंगी ना तो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने सोचा आपको पहले से ये दिखा दें। बहुत सारी चीजें हैं, अभी मिट्टी गीली है तो मैं अंदर तक नहीं जा पा रही हूँ। तो आपको ये मेरा ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का टूर कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच। अब देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि मटर कैसे लगी हुई है। ये देखिए कितनी खुशी होती है ऐसे मटर देख के। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश ग्रीन मटर पूरे खेत में इसी तरह से है। एक एक पौधे पे ना बहुत सारी मटर लगी। ये देखिए, यानी फूल से फिर मटर बनी है और कितनी सुंदर। ये देखिए, भरा हुआ है पौधा बिल्कुल, तो है ना कमाल। अच्छा लगता है ना जब सब्जियां ऐसे लगी हों। और ये देखिए, जो मैंने सैलेड लीव्स आपको दिखाई थी, अब ये कुछ इस तरह की हो गई है। तो आप ऑर्गेनिक खेती देखिए। और ये बथुआ, जो बथुआ बोलते हैं ना हम, ये बथुआ लगा है सारा, तो बहुत बहुत अच्छा है। ये देखिए गोभी, और इतना बड़ा है ना ये कि गोभी इस तरह से निकाल के रखी है। देखिए कैंप, ये जहाँ हम कैंपस में रहते हैं ना, वहाँ ये फार्मिंग की गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर लगता है जब ये देखें कि पौधों में ये लगी हुई है गोभी। वाओ, वंडरफुल। क्लोजअप करके दिखाती हूँ, देखिए कितनी सुंदर है। तो अगर ये फ्रेश सब्जियाँ खाने को मिल जाएं तो नथिंग लाइक इट। तो कैसा लगा आपको मेरा ये गार्डन? ब्यूटीफुल। गार्डन मतलब नॉट पर्सनल, कि ये है कि यह हमारी कंपनी का जिसमें हम काम करते हैं वहां पर ये इस तरह से लगा हुआ है। तो आपको कैसा लगा? ये देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे सरसों भी, मूली भी सब लगाई है और बहुत ही सुंदर। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ बीच में धनिया भी लगा है। क्लोजअप करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि पानी लगा हुआ है तो ये धनिया भी लगा है। और इस तरह से ये देखिए साइडों में भी धनिया लगाया हुआ है। तो सब चीजें फ्रेश हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और ये देखिए, जब मूली के ऊपर फूल आ जाता है ना, तो इस तरह से इनको ये मोंगरे सिंगरे बोलते हैं। देखिए, ये देखिए इस टाइप से। इसकी मैंने अभी सब्जी डाली है, आलू सिंगरे की। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए
कितना बढ़िया ये लगा है। जब मूली पे फूल आता है ना, उसके बाद ये उसके ऊपर लगते हैं पकने के बाद, रेडिश पॉड्स।